नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे आचार्य जागेंद्र मिश्रा चैनल में। अगर आपका भी नाम का पहला लेटर के है, यानी के लेटर से आपका नाम शुरू होता है, तो आपके लिए 2025 का राशिफल कैसा रहेगा, आइए जानते हैं विस्तार से। तो उससे पहले आज हम आपको आपके बारे में कुछ राज की बात बताएंगे, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि देखते हैं कि आज हम आपको कितने हद तक जान पाए हैं। तो पहले हम आपके बारे में थोड़ा सा बताएंगे, आपके व्यक्तित्व के बारे में, आपकी खासियत, आपकी कमियां, और आप के बारे में कि 2025 कैसा रहेगा। के अक्षर मिथुन राशि के अंतर्गत आते हैं, तो ये वीडियो के अक्षर और मिथुन राशि के लिए खास वीडियो है, महत्वपूर्ण है। चलिए शुरुआत करते हैं के लेटर। देखिए मिथुन राशि के जातकों, वैदिक ज्योतिष के अनुसार जिस भी व्यक्ति का नाम का पहला लेटर के अक्षर से शुरू होता है, आमतौर पर यह लोगों में खास विशेषताएं होती हैं कि दूसरे के बारे में बहुत सोचते हैं। इनका मानना है कि इनके जैसा कोई भी काम नहीं होना चाहिए। सामने वाले को भावनात्मक रूप से आहत करें, यानी हर किसी का रिस्पेक्ट करना इन्हें अच्छा लगता है, या फिर स्वभाव ही इनका ऐसा है। प्रेम के मामले में थोड़े से बदकिस्मत होते हैं, अक्सर इन्हें अपनी लाइफ में सच्चा प्रेम नहीं मिलता। अगर हम रिश्ते नातों की बात करें तो जिम्मेदारियों को निभाने वाले और जीवन साथी के प्रति समर्पित भाव रखने वाले होते हैं। करियर के मामलों में इन लोगों का जो पेशेवर लाइफ है, थोड़ा सा उतार चढ़ाव होता है। अक्सर 30 साल की उम्र के बाद, यानी कि जो 30 प्लस के बाद, ये सफल ज़्यादा होते हैं, करियर चुनने में थोड़ा सा चूक कर जाते हैं, जिससे कठिनाइयां तो होती है, लेकिन 30 प्लस के बाद ये चीज़ें बेहतर होने लगती है और मेहनत से सभी परेशानियों का हल निकाल ही लेते हैं। ज़्यादातर खुद ही काम करते हैं, खुद का व्यवसाय करते हैं। इनके अंदर चलाकी बहुत होती है, लेकिन बुद्धिमान होते हैं, किसी के अधीन रहकर काम करना पसंद नहीं है, टैलेंट होते हैं, और इनके अंदर इसी चीज़ को लेकर बहुत उथल पुथल चलती रहती है, इसलिए थोड़े नखरीले स्वभाव के होते हैं और इन्हीं कारण से इनके हर किसी से नहीं जमती। यदि कोई व्यक्ति इनकी नज़र में एक बार उतर जाए तो फिर लाख कोशिश कर ले, ये लोग कभी तवज्जो नहीं देते, जरा भी अहमियत उसे नहीं देते, क्योंकि ऐसे उनका पता है, अगर बार बार उनका दिया तो दोबारा भी देगा। स्वभाव से जिद्दी होते हैं और इनके इसी रवैये के कारण लोग इन्हें तनाशाह समझते हैं, लेकिन ऐसे होते नहीं हैं। अब देखिए इन लोगों का जो काम होता है वो कैसे न कैसे करना ही होता है। जो एक बार सोच लेते हैं, यानी पाने की जिद है, तो पाकर ही रहेंगे, दयालु होंगे। यदि किसी को मुसीबत में देखें तो भी इनका लाइफ जीने का अंदाज थोड़ा अलग होता है। इनके अपने सिद्धांत होते हैं और उन सिद्धांतों से समझौता कभी नहीं करते। घर परिवार में हालांकि संबंध ठीक रहते हैं, उनका अपने का परवाह करना आता है और थोड़ा सा कोमल स्वभाव के होते हैं। हालांकि के नाम वाले किसी से डरते नहीं हैं, लेकिन इनकी इसी कारण किसी का दिल ना टूट जाए, ये इनके लिए बहुत मायने रखती है, और किसी की तरफ से समझौता किसी तरह का नहीं करते किसी से। जैसा कि हमने कहा है कि प्यार के मामले में अनलकी तो होते हैं, लेकिन इतने अनलकी भी नहीं होते। सच्चा प्यार की तलाश ये बहुत दूर दराज तक करते हैं, हालांकि ये कभी भी पार्टनर के साथ नहीं छोड़ते। अगर एक बार किसी के दिल से मान ले तो अब देखिए के नाम वालों की राशि क्या होती है। देखिए जो ज्योतिष शास्त्र में सभी 12 राशियों को विभाजित किया गया है, जो नाम का पहला अक्षर है ये बहुत ही मायने रखता है। तो जन्म तिथि जो होती है उसी कारण से हम राशि लिखते हैं, जब चंद्रमा बैठता है तो हमारी राशि बनती है। तो के अक्षर वाले मिथुन राशि के अंतर्गत आते हैं, इसलिए जिनका नाम के अक्षर है वो मिथुन राशि के अंतर्गत आते हैं। तो ये के नाम वाले जिम्मेदारियों को निभाते हैं और ये मिथुन राशि वाले बहुत सोच समझकर चलने वाले होते हैं, प्यार और भरोसा करने वाले। लाइफ में छोटी मोटी मुश्किलें आती रहती हैं इनके, लेकिन इनकी तरफ से कोई भी रिश्ता तोड़ न दे ये कभी नहीं करते। वैसे तो दयालु होने के साथ साथ जरूरत पड़ने पर हर किसी की सहायता करते हैं। इनका जीवन जीने का तरीका अलग होता है, और साथ ही जिनका भी नाम के लेटर से शुरू होता है, आर्थिक मामलों में व्यवस्थित रूप से चलते हैं ताकि जीवन सुखमय रहे। हालांकि जीवन का पहला भाग इनका ज़्यादा सुखी होता है, बाद में कठिनाइयां इनके लाइफ में आती हैं। तो ये लोग नाम पैसा कमाने के साथ मान सम्मान भी खूब कमाते हैं, और इनका जो पर्सनालिटी है उससे प्यार करने वाले, हालांकि लोगों से जुड़ाव लगाव रखने वाले अच्छे होते हैं, पर ये बाहर से बहुत सॉफ्ट शांत दिखाई देते हैं, अंदर से बहुत ही उथल पुथल होती है। जीवन में कई बार धक्के खाने पड़ते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं छोड़ते, और ये लोग चूंकि माता पिता के विरुद्ध भी कभी नहीं जाते, माता पिता की बात मानते हैं, लेकिन कहने का तात्पर्य कि जो विद्यार्थी होते हैं उनको ज़्यादा सफलता मिलती है। पढ़ाई लिखाई में इनका नज़रिया विस्तारवादी होता है, ये अक्सर रिसर्च के क्षेत्र में जाते हैं,
और पढ़ाई लिखाई MBA के क्षेत्र में जाते हैं, जैसे बैंक के क्षेत्र में काम करना, गहराइयों को समझना इनके अंदर होती है। अक्सर ये समस्या का समाधान अपने बलबूते ढूंढ लेते हैं। दृढ़ निश्चय, मेहनती होते हैं, व्यक्तित्व होते हैं इनके अंदर, हमेशा एक अव्वल बनाए रखते हैं। तो चलिए आप जानते हैं 2025 में के नाम के जातक, यानी 2025 से लेकर 2028 तक के नाम वाले के जीवन में क्या कुछ बड़ा होने वाला, क्या बदलाव आएगा 2025 से लेकर 2028 तक। के लेटर आपके लिए आर्थिक रूप से कैसा रहेगा 2025 से 2028 तक, आपके करियर के मामले में कैसा रहेगा, यही आज हम विस्तार से जानेंगे। देखिए, अगर हम ज्योतिष की माने तो आपके राशि के स्वामी बुध ग्रह बनते हैं। बुध ग्रह सूर्य के साथ बुद्धादित्य राज्यों का निर्माण भी 2025 में बनाएंगे। 2025 में शनिदेव कुंभ मीन राशि में रहेंगे, यानी कुंभ राशि में रहेंगे, और देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि से मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यानी आपकी राशि में भी ट्रांजिट करेंगे। तो क्रम से परिवर्तन होगा, कई राज्यों के धनियों का निर्माण होगा। तो सबसे पहले आपके नौकरी रोजगार से अगर बात की जाए तो देखिए, शुरुआत में आपके लिए बहुत अच्छा होगा, नई जॉब लगेगी, नई योजनाएं आपके लिए अच्छी रहेंगी, सफलता भी मिलेगी, आप जो कुछ भी करेंगे उसमें परिपक्वता आएगी। व्यापार में सभी रुकी हुई गति जो फिर से बढ़ेगी, मजबूती से जमेंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और साथ ही आपको परिवार के किसी भी व्यक्ति का, किसी भी महत्वपूर्ण रसूखदार अनुभवी व्यक्ति का सपोर्ट मिलेगा। जो व्यापारी वर्ग है उनके लिए व्यावसायिक पार्टनरशिप बात बिगड़ सकती है, इसका ध्यान रखना होगा। अगर आप पार्टनरशिप में कोई काम करते हैं तो थोड़ा ध्यान रखना होगा। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये तीन महीने बहुत खूबसूरत है, व्यापार में तरक्की होंगे, खासकर गृहस्थी संबंधी तरफ से आपको लाभ उठाते नजर आएंगे। लेकिन इस बीच फरवरी और मार्च ये दो महीना आपके लिए अच्छा रहेगा। जॉब में यानी नौकरी में ट्रांसफर के योग बनेंगे, नई जॉब मिलेगी। अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक का कुछ वक्त बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, काम पर ध्यान दीजिए, आपके वरिष्ठ भी आपका सम्मान करेंगे, इसमें नई जॉब की संभावना है, बिजनेस व्यापार तेजी चलेगा। वैवाहिक जीवन की बात करें, दाम्पत्य जीवन की तो खुशी रहेगी, संतान की प्राप्ति होगी, जीवन साथी का सपोर्ट मिलेगा, आपसी मतभेद मनमुटाव खत्म होगा। 2025 से 2028 तक एक स्वर्णिम अवसर रहेगा, संतान का सुख मिलेगा और घर परिवार का सुख मिलेगा, परिवार में कुछ शांति रहेगी, अनसुलझे मुद्दे सुलझेंगे, जमीन प्रॉपर्टी पैतृक संपत्ति में लाभ होगा, कई बड़े अच्छे लाभ दिखाई देंगे, जो कार्य रुके थे पेंडिंग थे उन्हें पूरा करेंगे। साथ ही इसमें आप नई ऊंचाइयों को छुएंगे, घर परिवार में एक कोई महत्वपूर्ण कार्य होगा, जैसे धार्मिक कार्य, शादी विवाह का आयोजन होगा, जिन जानकों को विवाह ने उनका विवाह का योग बनेगा। शिक्षा की बात करें तो देखिए, शिक्षा से जुड़े जो जातक हैं उनके लिए अच्छा रहेगा, बड़े संस्था में दाखिला लेंगे, कंपटीशन प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेंगे, इसमें शिक्षा में आपको बड़ी ऊंचाइयों को छुएंगे, शिक्षा आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी, कंपटीशन में भाग लेंगे, विदेश जाने का मौका मिलेगा, विदेश में पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं, साथ ही कोई इंटरव्यू भी निकाल पाएंगे। बात करें अगर हम राजनीतिक क्षेत्र की तो राजनीति में लाभ होगा, समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त होगा, प्रेम जीवन में खुशियां, लव लाइफ अच्छी रहेगी, लव पार्टनर के साथ एक अच्छा सा रिश्ता रहेगा, एक दूसरे का सहयोग प्राप्त होगा, आपस में जो मतभेद थे, जो तनाव थे, जो कुछ दूरियां थी, वो सारी दूरियां मिटती नजर आएगी, यानी कि एक दूसरे का सहयोग प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। और ये समय स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी ध्यान रखना होगा, स्वास्थ्य किसी का गड़बड़ ना हो इसका ध्यान रखें, हालांकि स्वास्थ्य ठीक रहेगा, पहले से काफ़ी फिट रहेंगे। तो ये था आपके लिए एक बेहतर यानी कि भविष्यफल 2025 से लेकर 28 तक का मिथुन राशि के यानी जो के अक्षर के जातक है। दोस्तों, वीडियो कैसे लगे कमेंट में बताइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय शनिदेव।